जी इफ्ता स्टार्ट करो बेटा क्वेश्चन। जी सर, सर बेसिक सैलरी, सैलरी में टैक्सेबल, ठीक हो गया। बोनस सैलरी सैलरी में टैक्सेबल, अगर पे इन लियू ऑफ लीव, ये भी सैलरी में टैक्सेबल। सैलरी का ही नाम है ये, सैलरी में टैक्सेबल। स्पेशल एडिशनल अलाउंस, ये तो सैलरी में एग्जाम्पल होता है ना। वो सिर्फ स्पेशल अलाउंस होता है, एडिशनल नहीं होता। जी सर, कन्वेंस अलाउंस, ये भी टैक्सेबल। ओके, कन्वेंस अलाउंस। ये हाउस रेंट, ये 60% आएगा इसका। नहीं बेटे, पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा हाउस रेंट में। वो तो तब होता है जब वो लेते हैं, फैसिलिटी वो जब फैसिलिटी सर, जब होती है। फैसिलिटी हाँ, फैसिलिटी कैसे होती है तलाक सर? उसको घर दिया जाता है ना, उसको घर दिया जाता है, तो वो कैसे निकालते हैं तलाक? घर के फोर्टी रेंट। फाइव परसेंट ऑफ एमटीएस। हाँ, 45% ऑफ एमटीएस या बेसिक सैलरी। और दूसरा बेटा एनुअल रेंट, जो उस घर का एनुअल रेंट बनता है वो, या 45% ऑफ बेसिक सैलरी, दोनों में से विच एवर इज हायर। चलो नेक्स्ट। जी तलाल, आपकी बारी मैं आ पढ़ूँ गई। जी सर, डोनेशन अल शिफा ट्रस्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज 61। सर ये तो उसमें आएगा, वो जो डोनेशन का है नहीं, क्या कहते हैं उसे? टोटल इनकम में से बेटा माइनस हो जाएगा। जी सर। सर रेंटल रेंटल इनकम 2,50,000। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉपर्टी नहीं इन प्रॉपर्टी, सॉरी, ये एस सेपरेट टैक्सेबल ब्लॉक ऑफ, और सेपरेट सेपरेट ब्लॉक ऑफ ब्लॉक, इनकम में जाएगा सर, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा अमाउंट दो है। लाख से जो ऊपर होगा उसका 5% दे रहे हैं। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स टैक्स एंड इंश्योरेंस पेड और फॉर जीपी, 4,000। सर ये तो कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपेंस किया हुआ है उसने, और प्रॉपर्टी के आपने कहा था सर एक्सपेंसेस। टैक्स हाँ, प्रॉपर्टी के नो एक्सपेंस, ट्रीटमेंट। ठीक है। सर कंसीडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम वोकेशन पेंशन, नहीं बेटा, कौन सी? वोकेश कंसीडरेशन रिसीव फ्रॉम वेकेशन पोजेशन 180। एंड बेटे ये पता है कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट। पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में, और फिर 1/10 ले लेंगे। ये बेटा देखो, अमाउंट रिसीव, ये वेकेटिंग प्रॉपर्टी, अमाउंट रिसीव में से अमाउंट पे माइनस करेंगे और फिर उसका 1/10 ले लेंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंसीडरेशन रिसीव फ्रॉम कंसिडरेशन होता है वोकेशन पैसे पोजेशन। रिसीव करना, वेकेट होता है घर खाली करना। यानी जब आपने घर खाली किया तो आपको 1,80,000 रुपया मिला, और आपने जब जिस टाइम वो घर पोजेस किया था तो 1 लाख रुपए दिए थे। यार ये एडवांस एडवांस वगैरह नहीं होता जो हम देते हैं घर को, यानी जब घर किसी से लेते हैं तो उसमें पैसे हम, मतलब उसको विकेट करवाने के लिए हमें क्या देने सर पड़े? पोजेशन देने के लिए पैसे दिए हैं, ये पैसे लिए दिए? हैं, दिए हैं सर, लिए हैं सर। नहीं, एक दफा लिए हैं, एक दफा दिए हैं। लिए और दिए को माइनस करके फिर जो आंसर आएगा नेट, उसको 1/10 ले लें। ठीक है। अच्छा सर, 180,000 रिसीव किए हैं और 1 लाख रुपीज़ वापस उसे दिए हैं हमने, तो जो दोनों को अस्सी हजार माइनस रुपये हमें जो करके, प्रॉफिट, हाँ जी, जो प्रॉफिट हुआ हमें 80,000 रुपये, उसका 1/10 लेना है बिल्कुल अदर सोर्स में डाल देना। अदर सोर्स में। उसके बाद ओके सर, बेटा ये कह रहा है बूफे वो खा रहा है, ठीक है। 2,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं उसको, साल के 24,000 मिल गए, तो 24,000 सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट। टैक्सेबल गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स।
प्राइवेट कंपनी के विद इन 12 मंथ पूरे का पूरा कैपिटल गेन में पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है बच्चों जी सर, शेयर्स ऑफ एओपी है, टोटल इनकम में ऐड, प्रॉफिट फ्रॉम टोटल इनकम में ऐड, और स्टेप नंबर टू कंप्यूटेशन का स्टेप नंबर टू। ठीक है सर, ये तो प्री स्टेप है, स्टेप तो नहीं है सर। नहीं ना यार, ये देख नए फॉर्मेट के हिसाब से, नए फॉर्मेट के हिसाब से स्टेप बनाया हुआ है। मैंने बताए थे सबसे पहले क्या निकालना है, स्टेप नंबर वन में टैक्स निकालना है, स्टेप नंबर टू में टैक्स डिस्काउंट निकालना है ड्यू टू शेयर्स ऑफ एओपी, फिर स्टेप नंबर थ्री क्या था, रिबेट्स, तीन तरह की रिबेट्स होती हैं, थ्री में क्या था, रिबेट्स, और चौथा स्टेप क्या था, चौथा स्टेप था सेपरेट ब्लॉक, चौथा स्टेप, और पाँचवा क्या था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पांचवा क्या था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और इनके नीचे क्या आता है, लास्ट में एफटीआर आता है, लेकिन एफटीआर इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टेप्स। ठीक हो गया, पांचों स्टेप्स हैं तलाक। अच्छा जी नेक्स्ट बेटा, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड 150,000। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड आपका कंसेशन में जाता है सर, ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड सर, नहीं पेंशन फंड है सॉरी, ये देखो कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू इम्प्रूव पेंशन फंड कंसेशन नंबर थ्री है, क्या है कंसेशन नंबर, कंसेशन पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑन लीगल सर्विस, सर ये तो एक्सपेंस है सिंपल, नो ट्रीटमेंट, लोन रिसीव फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक अदर सोर्स में एग्जेम्प्टेड, हाँ अगर कैश में होता फिर टैक्सेबल होता अदर सोर्स में। सर 60% टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर एज पर टर्म ऑफ, ये टोटल इनकम में, ये सैलरी इनकम में ऐड होगा, इसका एक प्रोसीजर है वो हम कल पहले सीखेंगे, फिर क्वेश्चन है, तो सैलरी इनकम में ऐड होगा, सैलरी इनकम में ऐड होगा पहले सर। अच्छा नेक्स्ट सर, रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 66,700। यार बिजनेस है हमारा फर्नीचर का सर, मगर उसने बिजनेस लिखा हुआ तो नहीं है, देखो ये उसने साथ ये बता दिया फ्रूट बिजनेस, ये बिजनेस, तो मैं आइडिया हो जाना, शॉपर में डालो, अच्छा बेटा इनकम फ्रॉम फ्रूट बिजनेस सेटअप इन पंजाब, ठीक है सर ये तो टैक्सेबल होगा, वो फाटा वाला है फ्रॉम, जी सर स्टर्ड बिजनेस, स्टर्ड फॉर्म्स सर, ये स्टर्ड क्या होता है, ठीक है स्टार्ट फॉर्म, बस लो बच्चों हॉर्स वगैरह का जो फॉर्म नहीं होता उसे स्टार्ट फॉर्म के, रेंट फ्रॉम सब लेटिंग द लैंड, हाँ अदर सोर्स, यार ये मुझे कैसे वैसे पता है ये सारा कुछ, सर आपने प्रैक्टिस की भी है, दूसरा आपको फॉर्मेट याद है, हम भी कर रहे हैं हो जाएगा, इंश्योरेंस अदर सोर्स में,
रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो अदर सोर्स में एग्जेम्प्टेड, एग्रीकल्चर की जितनी इनकम होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है। बच्चों ये कैपिटल गेन में जाएगा और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में इस पे टैक्स लगेगा। कितने परसेंट लगेगा वहां पे एग्जैक्ट बताया गया है कि कितना लगना है। ये भी कैपिटल गेन में जाएगा और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगा। और इनकम फ्रॉम फैसिलिटेटिंग विद द बिल्डिंग, यानी देखो हमने बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, कुछ और चीजें उसके अंदर लगी हुई है, उसका किराया हम ले रहे हैं, सर अदर सोर्स में जाएगा और टैक्सेबल। सो ये पूरा पूरा ही टैक्सेबल होगा ना? हाँ पूरा पूरा पूरा। लो भाई बच्चों फॉर्मेट मैंने डिस्कस